दोस्तों 21 साल के मयंक यादव ने आईपीएल में तेज गेंदबाजी करके पूरी तरह अपना नाम आईपीएल इतिहास में दर्ज करवा लिया है और दोस्तों भारत के फास्टेस्ट गेंदबाज बन चुके हैं। जान दोस्तों मयंक यादव की उम्र केवल 21 साल है और दोस्तों ये दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन इस आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेल रहे हैं और दोस्तों अपने डेब्यू मुकाबले में ही उन्होंने पूरी तरह सनसनी मचा के रख दी है। जहां इस समय वो ट्विटर पर सबसे नंबर वन पर ट्रेंड हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उनकी गेंदबाजी ही इतनी खतरनाक हो रही है कि जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। जहां दोस्तों लखनऊ और पंजाब के मैच में, जहां लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब को 200 रनों का टारगेट दिया था और दोस्तों पंजाब की तरफ से शिखर धवन और बेस्टो काफी शानदार बैटिंग कर रहे थे। जहां दोस्तों इन दोनों ने पहले विकेट के लिए ही पूरे 100 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप कर ली थी और इनके एक भी विकेट नहीं गिर रहे थे, लेकिन जब मयंक यादव ने अपने हाथ में गेंद संभाली तो फिर अपने पहले ओवर से ही उन्होंने पूरी तरह घातक गेंदबाजी करी और दोस्तों आईपीएल का रिकॉर्ड ही तोड़ डाला। जहां दोस्तों मयंक यादव ने इस आईपीएल में 155.8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद डाल दी और दोस्तों उनकी सारी गेंदें 142-144 के आसपास जा रही हैं और दोस्तों मैक्सिमम गेंदें तो वो 150 से ऊपर की फेंक रहे हैं और दोस्तों इससे अंदाजा लग जाता है कि मयंक यादव अभी काफी कम उम्र के हैं। इसके साथ साथ वो इतनी तेज गेंद फेंक रहे हैं कि आने वाले समय में वो पूरी तरह अपनी पेस से सबको चौंका सकते हैं। ऐसे में दोस्तों भारत को एक नया तेज गेंदबाज मिल गया है जो कि दोस्तों 150 से ऊपर की गेंदबाजी करता है और दोस्तों मयंक यादव ने आईपीएल में 155.8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करके सबको चौंका दिया है। ऐसे में दोस्तों आपको मयंक यादव की खतरनाक गेंद कैसी लगी थी, आप अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों उन्होंने अपने डेब्यू मुकाबले में ही जॉनी बेस्टो, प्रभसिमरन सिंह और जितेश शर्मा जैसे घातक बल्लेबाजों को आउट भी कर दिया है और दोस्तों उनकी गेंदबाजी के आगे पूरी तरह पंजाब की टीम थर थर कांप रही थी। उन्होंने अपने 4 ओवर में केवल 26 रन देकर 3 बड़े विकेट चटका भी दिए हैं।